लिमिटिंग रिएजेंट, मेरे साथ ही लिखते चले जाएं। लिमिटिंग रिएजेंट सही है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, क्यों जरूरत है, इसको समझने के लिए पहले एक कहानी सुनते हैं। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, आप जानते ही हो, लेकिन केमिस्ट्री का टीचर भी हो गया, तो दो दो करेक्टर मेरे में घुस गए। अब मैकेनिकल इंजीनियर होते हुए मैंने सोचा यार कोटा में बीएमडब्ल्यू डालने का प्लांट बनाया, तो बीएमडब्ल्यू बनाना चाह रहा हूँ, वो भी कहाँ पर, अपने शहर कोटा में। ये मैंने बीएमडब्ल्यू बनाना शुरू किया। अब क्योंकि अब मैं केमिस्ट्री का करेक्टर भी है, तो मैंने कैसे बनाया, इंजन प्लस बॉडी प्लस फोर व्हील, ऐसे जैसे रिएक्शन लिखते हैं, इंजन बॉडी फोर व्हील मिले, असेंबल किया, बीएमडब्ल्यू तैयार। स्टेपनी नहीं लगाता मैं, ठीक है ना, तो यही हो गया। और अपने सारे इंजीनियर को बोल दिया जाओ काम करना लग जाओ और सब बराबर काम करो। सबके सबने इस तरह से काम किया, इंजन बन गए 100 इंजन, 100 बॉडी, 100 व्हील। समझना बात को, करेक्टर को समझना। तो अब बताओ कितनी बीएमडब्ल्यू तैयार होगी, 100 या 25? 25। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरा जो व्हील वाला डिपार्टमेंट है वो खत्म हो गया। फोर व्हील से एक बनती है, तो 100 खत्म, फिनी, घर जाओ। अब इंजन वाले मेरे स्टॉक में अभी भी 75 है, बॉडी मेरे पास 75 रखी हुई है पूरा, लेकिन बिना व्हील के मैं आगे कैसे मार्केट में निकालूंगा, तो वो मेरे जो वर्कशॉप है उसी में रखा रह गया सारा सामान। तो ये अभी भी रखा हुआ है, ये और रखा हुआ है, ये खत्म हो चुका है। मुझे गुस्सा आया, मैंने वर्कर्स को दोबारा बुलाया और मैंने डांटना किसको चाहिए था, व्हील वाले डिपार्टमेंट को, और डांट दिया मैंने इंजन वाले को, कहा तुम मेहनत नहीं कर रहे, वर्क करो। उसने 100 की जगह 200 बना दिया, तो क्या बीएमडब्ल्यू और ज्यादा बन के निकलेगी, नहीं ना, सही है। तो ये वो रिएजेंट है जो बचे हुए हैं, तो जो बचे हुए रहते हैं रिएक्शन में, उसको मैंने दिया नाम ईआर। ईआर की फुल फॉर्म क्या होगी, एक्सेस रिएजेंट, ये भी एक्सेस रिएजेंट, और ये क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो वो सब्सटेंस जो खत्म हो गया पहले वो क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, और सब्सटेंस विच रिमाइंडर आफ्टर कंप्लीट द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट, यानी अभी भी एक्सेस रिएजेंट बचा हुआ है। और ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, ये तो हमारे लिए प्रोडक्ट कहलाएगा। प्रोडक्ट किस पे डिसाइड होगा, प्रोडक्ट डिसाइड बाय लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। कुछ बातें समझ में आई, तो मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। लिमिटिंग रिएजेंट की अगर क्वांटिटी बढ़ा दी जाए पहले के कंपेयर में थोड़ी बहुत, तो क्या प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती है, हाँ। एक्सेस रिएजेंट की क्वांटिटी थोड़ी बहुत बढ़ा दी या कम कर दी जाए, तो क्या प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम या बढ़ेगी, नहीं, वही रहेगी। एक्सेस रिएजेंट की डेफिनेशन ये रहेगी, रिएक्शंस, सॉरी, रिएजेंट या रिएक्टेंट विच रिमेन्स आफ्टर कंप्लीट द रिएक्शंस। समझ में आ रहा है, तो ये हमारे पास अभी भी बचे रहेंगे। तो पहला पॉइंट तो हमारे लिए जो लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन आएगी वो लिखते हैं यहां से, लिमिटिंग रिएजेंट इज रिएजेंट विच कंज्यूम फर्स्ट इन केमिकल रिएक्शंस। इन द केमिकल रिएक्शंस, समझ में आ रहा है। एंड एक्सेस रिएजेंट इज रिएजेंट विच विच इज नॉट
fully consumed या which is partially consumed in the reactions. Partially का मतलब थोड़ा बहुत, partially consumed in chemical reactions. In chemical reactions, yes or no? मैं फिर बता रहा हूं, limiting reagent 100% decide हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वही decide करेगा reactant की product की quantity क्या बनेगी, सही है? क्या आप ये बता सकते हो कि product की quantity किस पे depend करेगी? Obviously limiting reagent से निकाला जाए. तो एक सेकंड के लिए समझ लो कि ये इंजन से अगर हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी निकालते हैं, सिर्फ इंजन से, तो आंसर क्या आता? 100. बॉडी से निकालते हैं 100, व्हील से निकालते हैं कितना बन रहा है? 25. तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी सबसे कम किससे मिलेगी? लिमिटिंग रिएजेंट से, और वही एक्चुअल क्वांटिटी होगी. यानी लिमिटिंग रिएजेंट अगर आपको पता लगाना हो तो आपके पास एक ट्रेडिशनल मेथड तो ये है कि हर रिएजेंट से आप प्रोडक्ट निकालो, जिससे सबसे कम बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा. लेकिन ये मेथड अब आउटडेटेड है, ठीक है ना? लेकिन एक लाइन तो बनती है और वो ये है, एक्चुअल प्रोड्यूस क्वांटिटी, एक्चुअल प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट डिसाइड बाय ओनली एल आर. लेकिन एल आर कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए आपके लिए एक और रूम बनते हैं, यानी फाइंड एल आर. इसके लिए लगेगा आपके लिए अगेन गुरु मंत्र, भाई. एक तरीका तो ये हो गया ट्रेडिशनली कि आप हर एक लिमिट रिएजेंट से प्रोडक्ट निकालो और पता लगा लो किससे सबसे कम निकल रहा है. लेकिन वो मेथड एक लॉन्ग मेथड है. तो गुरु मंत्र क्या कहता है? लिमिटिंग रिएजेंट इज रिएजेंट. गुरु मंत्र, लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएजेंट विच हैविंग लिस्ट वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएजेंट विच हैविंग लिस्ट वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ गिवन मोल ऑफ रिएजेंट एंड स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ऑफ रिएजेंट, हमारे पास एक से ज्यादा रिएजेंट हैं, तो उन सभी के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? उनका मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालते चले जाना है और फिर हम यूज करेंगे. इतना सब कुछ करने के बाद हमारे को यह पता चला है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है और कैसे है. लेकिन मेरा क्वेश्चन एक और आता है कि हमने पहले भी मोल पढ़ लिया थोड़ा बहुत, तब हमें लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? उसके दो कारण रहे हैं. पहला, अगर एक ही रिएजेंट होता, एक ही रिएक्टेंट होता, तो वही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं. अगर पूरी इंजन से ही पूरी बीएमडब्ल्यू बन जाती तो जितने इंजन होते वही डिसाइड कर लेते, बोलो करते ही नहीं करते. तो लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत आज से पहले क्यों नहीं पड़ी? कि एक ही रिएक्टेंट था. या फिर दूसरी पॉइंट हो सकता था कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते और एग्जामिनर कह देता कि बाकी के सारे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, यानी एक्सेस है, आप सोचो ही मत, अनलिमिटेड है. तो जो गिवन हो रहा है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, वही लिमिटिंग रिएजेंट है. तो यहां वो बोल देता है कि
इंजन लिमिटिंग रिएजेंट है या बॉडी जो भी है इस जगह वो 100 है, अदर सब्सटेंस आर एक्सेस रिएजेंट। नहीं देता तो बाय डिफॉल्ट हम मान लेते क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है और हमें क्वेश्चंस को करना है। इज दैट क्लियर? ये दो बातें हो रही होगी लेकिन अब ये दो बातें नहीं हो रही है, अब आपको हर एक के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आप डिसाइड करेंगे। लेकिन अगला क्वेश्चन मेरा ये आ रहा है कि यार मुझे, मेरा तो नुकसान हो गया ना, फालतू इतना सारा माल गोदाम में रखा हुआ है, क्या मतलब आ रहा है? तो ऐसा क्या किया जाए कि सब लिमिटिंग रिएजेंट बन जाए? मेरे को ऐसा लगता है कि इसको हमें 400 बनाना चाहिए था। आप सोचो, इंजन, बॉडी और फोर व्हील, हमें कितना बनाना चाहिए था इसको? 400, 400 नहीं, इसको बनाना चाहिए था 100, 100, और इसको क्या बनाना चाहिए था? 400। तो मेरी BMW कितनी बनती? सही है। तो ये मेरा होता है ऑप्टिमम रिएक्शंस, यानी इस तरह का बोला जा सकता है मैक्सिमम एफिशिएंसी रिएक्शन या मैक्सिमम यील्डिंग रिएक्शंस, मैक्सिमम मास प्रोडक्शन रिएक्शन, मैक्सिमम हीट प्रोडक्शन रिएक्शन, कुछ भी बोला जा सकता है इस जगह। समझ में आ रहा है? इसमें कौन सी चीज पूरी तरह से कंज्यूम हो रही है? सब 100, 100 और 400, और कितनी BMW तैयार हो जाएगी? 10। तो ऐसा कब होता है? जब एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, जब जितने भी रिएजेंट है, जितने भी रिएक्टेंट है, वो सारे के सारे क्या हो? वो सारे के सारे क्या हो? जल्दी बोलो, वो सारे के सारे लिमिटिंग रिएजेंट हो। सही है। तो ऐसा तभी होगा जब सारे के सारे आपके लिए क्या हो? लिमिटिंग रिएजेंट हो। आ रही है बात समझ में? तो मेरे दिमाग में यहां पर यही चीज चल रही है कि ये नोट डालें आप पहले इस जगह, क्या रहेगा आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, इन केस इफ ऑल द रिएक्टेंट्स आर लिमिटिंग रिएजेंट देन एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम। मेरा लास्ट पॉइंट ये था कि कैसे भी करके अगर सारे लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएं तो हमारी परसेंटेज यील्डिंग रिएक्शन की क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और कब सब सारे लिमिटिंग रिएजेंट बनेंगे? जब सभी के मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या हो? थ्रू आउट सेम। तो कभी मैं ऐसा क्वेश्चन बना सकता हूं, बेशक बनाऊंगा मैं, क्या कि मैं दे दूंगा ए रिएक्शन इन विच हीट एफिशिएंसी या मास प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, देन कैलकुलेट द मास ऑफ BW, जो भी ये पूछा मैंने पूछ लिया कुछ भी। तो आप क्या करना, उनके लिए मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू थ्रू आउट द इक्वेशन क्या कर देना? सेम कर देना। और जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए उसके अलावा सबका आप देख लीजिएगा। यस और नो बोलो, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन मैं बनाना चाहता हूं लेकिन सबसे पहले तो आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है ये पता लगाते हुए कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और क्या। तो मैं फिर एक बार बताना चाहूंगा कि आपके पास किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक सबसे पहला तो ये आएगा कि आपको सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लो, दूसरा कैलकुलेट द प्रोड्यूस क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, तीसरा व्हाट इज द रिएक्टेड क्वांटिटी ऑफ अदर रिएजेंट, जो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, अदर रिएजेंट यानी अदर एक्सेस रिएजेंट, वो कौन डिसाइड करेगा? वो भी लिमिटिंग रिएजेंट करेगा। हमारी फिल्म का हीरो ही लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर हमें ये पता लगाने को कहे कि एक्सेस रिएजेंट की कितनी क्वांटिटी रिएक्ट होगी, है तो वो बहुत सारा रखा हुआ है, जैसे अभी हाल मैंने यहां लिखा था 75 बचेंगे इंजन और बॉडी, याद है? तो मैंने ये भी तो बोला था कि मैंने कैसे बोला था, क्योंकि मुझे मालूम है उसके 25 कंज्यूम होंगे, और वो 25 कंज्यूम कौन होंगे ये किसने डिसाइड किया था? व्हील ने। समझ में आ रही है? आ रही है बात समझ में? तो कहीं ना कहीं हर चीज कौन डिसाइड कर रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि एक्सेस रिएजेंट कितना कंज्यूम होगा, और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि एक्सेस रिएजेंट कितना बचेगा। क्या बात है, सब कुछ लिमिटिंग रिएजेंट। तो करें, सबसे पहले हमारा पहला टारगेट ये है, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। सभी एग्जाम्पल आपको करने जरूरी है, एक एक करके देखते जाएं,
ए प्लस थ्री बी सी 200 और 300 गिवन मोल। आपको बताना है कौन एल आर है। कैसे करेंगे सॉल्यूशंस? गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्ट्रेचोमेट्रिक कोफिशिएंट, गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्ट्रेचोमेट्रिक कोफिशिएंट। कौन सी वैल्यू स्मॉल है तो लिमिटिंग रिएजेंट ये हो जाएगा और दूसरा रिएजेंट क्या हो जाता है। अगर दोनों वैल्यू बराबर आती है तो दोनों ही एल आर हो जाएंगे, यानी एक से ज्यादा भी एल आर पॉसिबल है। नेक्स्ट, ट्वाइस ए प्लस फाइव बी कन्वर्ट फोर सी और गिवन मोल है, ये आपको करना है मेरे से पहले। इसके मैंने दे दिए 700 और इसके मैंने दे दिए 1200 मोल। कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? ए। 700 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 350। 1200 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया? 2। तो कौन सा है? बी। सही है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? बी। ये तो हुआ फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। एक और एग्जाम्पल, एन टू प्लस थ्राइस एच टू फॉर्म्स ट्वाइस एन एच थ्री, 100 ग्राम 20 ग्राम। पता करिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। मैंने आपको बताया है कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्री करते हैं, सही है। और मोल कैसे निकालते हैं हम? वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट, वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट, वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट, वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट। तो पहले तो वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट मोल आ गया, मोल डिवाइडेड बाय स्ट्रेचोमेट्रिक कोफिशिएंट चाहिए। मैंने आपको पहले बोला है मुझे मोल डिवाइडेड बाय स्ट्रेचोमेट्रिक कोफिशिएंट चाहिए, तो वेट को मोल में कन्वर्ट करना हम सब जानते हैं। फिर डिवाइडेड बाय स्ट्रेचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 या स्ट्रेचोमेट्रिक कोफिशिएंट 3। बोलो कुछ समझ में आया? अब बताइए आगे कि ये वैल्यू तो लमसम कितनी होगी, कौन सी छोटी वैल्यू है? ये लमसम 3.5 समथिंग आ जाएगा और ये वैल्यू 6 10 10 डिवाइडेड बाय 3 3.33, तो ये छोटी हो गई, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पक्का? तो मेरे लिए एल आर कौन होगा? ये बताना आसान है, तो मुझसे पहले आपको खुद को करना है। 4NH3 प्लस 5O2 कन्वर्ट 4NO प्लस 6H2O। फोर एन एच थ्री मान लीजिए यहां पर 100 ग्राम है और यहां पर भी 100 ग्राम है, यहां पर भी 100 ग्राम है, यहां पर भी 100 ग्राम है। तो कैसे करेंगे? 100 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 4, 100 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 32। ये तो हो गया हमारे, और आई थिंक ये वैल्यू छोटी है, तो ये एल आर और ये ई आर। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मोल डिवाइडेड बाय स्ट्रेचोमेट्रिक कोफिशिएंट करते हुए चलो, जिसके लिए सबसे छोटी वैल्यू है वो है। अब आगे दूसरा पॉइंट, अगर आपने लिमिटिंग रिएजेंट निकालना सीख लिया है तो अगला पॉइंट ये रहता है कि फाइंड फाइनल कंपोजिशंस।
फाइनल कंपोजिशंस। फाइंड फाइनल कंपोजिशंस, इसको समझिएगा। मैं आपको इसके अंदर सभी जितने भी रिएक्टेंट हैं उनकी क्वांटिटी दे दूंगा और आपको ये पूछूंगा कि बताइए लास्ट में क्या बचेगा। वो कंपोजिशन बाय मोल भी पूछ सकता हूं, बाय मास भी पूछ सकता हूं, वो मेरी मर्जी है। तो मैं ये काम करता हूं, अगर मैं इनिशियल क्वांटिटी मोल में दे रहा हूं तो फाइनल कंपोजिशन मोल में निकाल दीजिएगा, इनिशियल क्वांटिटी में मास में दे रहा हूं तो फाइनल कंपोजिशन भी मास में निकाल दीजिएगा। करें स्टार्ट। तो जैसे हम बात कर रहे हैं, कुछ हमारे पास है ए एग्जाम्पल, ट्वाइस ए प्लस थ्री बी कन्वर्ट फोर सी प्लस डी। इसके मैंने आपको दे दिए 300 मोल और इसके दे दिए मैंने 500 मोल। तो कंपोजिशन फाइनल निकालना है आपको। तो सबसे पहला काम 300 डिवाइडेड बाय 2 और 500 डिवाइडेड बाय 3, ये तो रहेगा 150 और वो रहेगा आपका 167। कौन सी वैल्यू, क्या मैं सही हूं? तो ये LR है। अगर दोनों LR होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, दोनों जीरो जीरो लिख देता नीचे। तो अब आपका आंसर जो होगा सॉल्यूशन का अगला पार्ट, ये आंसर ही मान लीजिए आप डायरेक्ट, सॉल्यूशन तो आप यहीं से करने लग गए थे। कैसे सोचेंगे इसको ध्यान से सुनिएगा, जो एल आर है उसके नीचे तो जीरो लिख दो, वो तो 100% कंज्यूम होगा, उसका नाम ही है कि तुझे मरना है पूरी तरह से। तो अब यहां क्या है कंपोजिशन फाइनल, 500 था, कितना रिएक्ट हुआ उसके लिए आप गुरु मंत्र 2 अप्लाई कर दो, कितना कंज्यूम हुआ उसके लिए गुरु मंत्र। कौन डिसाइड करेगा? एल आर। किसके मोल है? 300 एल आर के, डिवाइडेड बाय उसी का कॉफिशियंट, मल्टीप्लाई बाय जिसका आपको निकालना है मोल उसका कॉफिशेंट। बोलो यस, हो गया आंसर। ये वो है जो रिएक्टेड है, गिवन माइनस रिएक्टेड रिमाइंडर होता है। यस और नो? यस और नो? ये कितना था शुरुआत में? जीरो जीरो। तो ये कितना रहेगा? ये प्रोड्यूस हुआ इसलिए प्लस, वो रिएक्ट हुआ इसलिए माइनस, तो जीरो प्लस। भाई शुरुआत में कुछ भी नहीं था तो जीरो प्लस कितना बनेगा? 300 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 2, ये कितना बनेगा? 0 प्लस 300 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2। इजी, मैं 0 नहीं भी लिखूंगा चलेगा, लेकिन कभी कभी मैं क्या करता हूं शुरुआत में बोल देता हूं सी के भी 2 मोल थे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर सी के 2 मोल थे यानी कि 0 की जगह आपको क्या करना पड़ेगा? 2 या 10 दे दिए। समझ में आ रही है बात? तो जो प्रोडक्ट हो रहा है वो भी लिया जा सकता है, कुछ ऐसा नहीं है। हाइपोथेटिकल बहुत सारे क्वेश्चन हम बनाएंगे ऐसे। समझ में आया अच्छे से? कुछ पूछना है? आप कुछ पूछ क्यों नहीं रहे, इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है। चलिए आ गई बात समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल, एन टू प्लस थ्राइस एच टू फॉर्म्स ट्वाइस एन एच थ्री, इसके 100 ग्राम इसके 30 ग्राम, तो ग्राम में है तो इसका मतलब फाइनल कंपोजिशन भी किस में निकालना है? ग्राम में। हाँ बेटा, अच्छा हाँ हाँ इसका तो वन, देखिए 300 किसके थे? ए के, और हमें किसके निकालने? डी के। तो जिसके निकालने उसका कॉफिशियंट ऊपर, जिसके थे उसका नीचे, तो 1/2 सही है हमेशा।
थोड़ा सा और इस पॉइंट्स को कैसे करते हैं। सबसे पहले एलआर तो निकालना ही पड़ेगा, 100 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम में दिया हुआ है, 30 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये तो वैल्यू आ गई लमसम 5। बोलो यस हो नो, 6 5 30, और ये वैल्यू आएगी लमसम 3.5। तो एलआर कौन होगा? ये, हाँ या ना, यही डिसाइड करेगा। तो अब हमारा सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो गया, आंसर लिखेंगे हम। हमने एक चीज सीख लिया है, हमें बहुत शॉर्ट में करना है क्वेश्चंस। आंसर क्या लिखेंगे इसको? जीरो। यहां क्या करेंगे? 30 माइनस, ध्यान से सुनिएगा, ये 30 क्या है, मोल है या मास है? मास है, ग्राम में। तो क्या ग्राम में से मोल माइनस होते हैं? नहीं, हमेशा ग्राम में से ग्राम माइनस होता है, मोल में से मोल, सेम यूनिट में माइनस और प्लस होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 30, अब इसका भी हमें मास निकालना है, कौन डिसाइड करेगा इसका रिएक्टेड मास? N2। N2 का कितना था, जोर से बोलो, 100, मोल में चेंज करना है 28, ये N2 के मोल है। H2 के मोल कितने होंगे? 3/1, ये H2 के मोल है, मास में भी कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। अगर नहीं किया ना तो आंसर गलत आएंगे आपके, पक्का। तो ये किसका मास हो गया? H2 का। ये किसका मास हो गया? H2 का। और अमोनिया का क्या रहेगा आपके पास बनेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? वो भी यही करेगा, 100 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 2/1 मल्टीप्लाई बाय 17। क्या मैं सही हूं? आप 3 कैसे बोल रहे थे बेटा? ध्यान नहीं दिया, ध्यान दो, ठीक है। इसके पीछे यूनिट क्या आएगी? ये फाइनल कंपोजिशन हो गया। क्या आप इसको एक लाइन में करने में आप कैपेबल हैं? होंगी, ठीक है। तो ये है लिमिटिंग रिएजेंट का, यानी लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएजेंट विच कंज्यूम फर्स्ट इन द केमिकल रिएक्शन एंड इमिटिंग रिएजेंट डिसाइड डिड दैट रिमाइंडर क्वांटिटी ऑफ ऑल अदर रिएजेंट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एंड वन मोर थिंग, इन एनी केमिकल रिएक्शन इफ ऑल रिएजेंट आर लिमिटिंग रिएजेंट देन रिएक्शन शो मैक्सिमम यील्डिंग, मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम मास प्रोडक्शन, मैक्सिमम हीट प्रोडक्शन एक्सेट्रा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसी पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हुए हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। ये अच्छे समझ में आ गया, पक्का? अब आपको करना है और भी जल्दी। सही है, आपसे क्या दिया जा रहा है? टी इक्वल टू जीरो का मतलब शुरुआत में, जब रिएक्शन शुरू हुई है उस समय आपको दिया जा रहा है इसका 100 ग्राम, और इसके दिए जा रहे हैं 3.6 × 10^24 मॉलिक्यूल्स, और टी इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि जब रिएक्शन पूरी खत्म हो गई तो इसके कितने ग्राम बचेंगे, इसके कितने मॉलिक्यूल बचेंगे, इसका कितना वॉल्यूम होगा और इसका कितना मास होगा। ये सब चीजें चाहिए, करिए आप इसको आराम से करिए, पूरे 30 सेकंड दे रहा हूं। देखिए, पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट का काम, लिमिटिंग रिएजेंट सिर्फ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से निकाला जाता है, 100 डिवाइडेड बाय 17 4,
और 3.6 इंटू 10 पावर 24, 6 इंटू 10 पावर 23 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा? एक 68, ठीक है ना? तो 68 है तो 1.4, 1.3 समथिंग चलने दो। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये नीचे टू लमसम 6 टाइम, ये 23 रख दो, ये कट गया, तो ये 6 टाइम, तो ये 1.2, बहुत पास में आके रुक गया। चेक करना पड़ेगा, आई थिंक यही एलआर है, ठीक है? अब यही डिसाइड करेगा सारी गणित। तो शुरू करते हैं अगला पॉइंट। देखिए इसका मास एलआर ये है, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ क्वांटिटी बचेगी। कैसे निकालेंगे? 100 जो गीवन है वो तो रखना पड़ेगा, माइनस कौन डिसाइड करेगा? ये इसके कितने मोल है? 6, दिख ही रहा है ये 6 मोल है। नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर, अब वही डिसाइड करते जाएंगे। -6 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 5, बोलो यस और नो? 6 इसके हैं, 4 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय कुछ और करना है इंटू 17, क्योंकि जैसे ये 6 को 4 बाय 5 से करा तो ये रिएक्टेड मोल हो गए अमोनिया के, और अमोनिया का मास चाहिए क्योंकि मास में से मास माइनस होगा, इसलिए 17। जो भी है ये वैल्यू आपके पास सामने आ गई, ये है WnH3। नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ O2 कितने होंगे? 0, क्योंकि वो तो लिमिटिंग रिएजेंट है, 100% कंज्यूम। तीसरा, वॉल्यूम कितना रहेगा? वॉल्यूम ऑफ NO, कैसे निकालेंगे? 6 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 5, अगर कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट STP ही लेंगे आप, वैसे तो दिया जाना चाहिए। 22.4 सही है। नेक्स्ट, मास ऑफ H2O 6 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 18, हाँ या ना? इजी और वेरी इजी, दो ही ऑप्शंस होते हैं, इजी और वेरी इजी। वेरी इजी, दैट्स गुड। तो आ रहा है समझ में? तो हम लिमिटिंग रिएजेंट में अब बहुत अच्छे से कर चुके हैं। एक और लास्ट एग्जाम्पल के साथ मैं इसको फ्री करूंगा नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए, और वो ये है। करूं स्टार्ट? लिखिएगा, एक रिएक्शंस करा रही करते हैं अपन। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम कन्वर्ट Al2O3 प्लस Fe, ये है रॉकेट फ्यूल। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी लिबरेट होती है ना? सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं हम रॉकेट के अंदर, बहुत सारे स्टेजेस होती हैं। पहले में तो हम लेते हैं लिक्विड हाइड्रोजन, ठीक है ना? फिर वो हट जाता है, फिर हम लेते हैं सॉलिड फ्यूल, उसके लिए ये। इसमें कहीं पे भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, आ रही है? दोनों सॉलिड सब्सटेंस हैं और फ्यूल जनरेट करते हैं। तो अब आगे पहले बैलेंस करो, क्या दिया जाएगा बैलेंस? एग्जाम्पल, फाइंड रेशियो ऑफ मास ऑफ Fe2O3 एंड Al फॉर मैक्सिमम
मैक्सिमम एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, या फ्यूल प्रोडक्शंस, एनर्जी प्रोडक्शंस, सही है? तो कैसे करेंगे, मान लीजिए ये डब्ल्यू ग्राम है और ये डब्ल्यू एल, तो सबसे पहला काम क्या होगा, इन दोनों सबको बैलेंस कर लो, ये बैलेंस कर लिया, हो गई बैलेंस ही हो गया, बैलेंस हो गई पूरी रिएक्शंस। तो मैक्सिमम यील्डिंग के लिए दोनों का एलआर होना जरूरी है, तो डिवाइडेड बाय एफ ई टू ओ थ्री, एफ ई का होता है 56 मल्टीप्लाई बाय 2 48, ये इसका मोलर मास हो गया। एल्यूमिनियम का होता है 27, ये तो हो गया मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 बराबर होगा, मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और हमसे रेशियो पूछा जा रहा है तो हम तो बहुत आसानी से वैसे ही बता देंगे, ये उस तरफ जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 54 हो गया, कर लेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है एडवांस में। तो क्या टफ था क्या? नहीं ना, करें इसको, लिखें।